पहुंचेगा, आपको बड़ी खबर बता देते हैं। राजधानी पटना में अब घर बनाना महंगा होगा। जी हां, अब राजधानी पटना में घर बनाना महंगा होगा। किसी भी निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। निर्माण की अनुमति लेने के लिए राशि जमा करानी होगी। प्रोजेक्ट के लागत का 1% जमा कराना होगा और आपको बता दें कि इसके तौर पर प्राधिकार को जमा करना होगा राशि। पटना समेत आसपास के शहरों में ये नियम लागू होगा और पीएमए कमेटी की विशेष बैठक में ये सहमति बनी है। जल्द ही विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी होगी। पीएमए के स्तर से पहली बार लिए गए हैं इस तरीके के फैसले। तो पटना में घर बनाना महंगा हो जाएगा। पटना समेत आसपास के अन्य शहरों में किसी मकान, घर, अपार्टमेंट यानी किसी तरीके के निर्माण करने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही निर्माण की अनुमति लेने के लिए कुल प्रोजेक्ट लागत की 1% राशि सेस के तौर पर प्राधिकार को जमा करानी होगी। तो आपको बता दें कि हाल ही में पीएमए कमेटी की विशेष बैठक हुई थी, इसमें इन सभी विषयों पर खासतौर से चर्चा करके सहमति बनी है और इससे संबंधित अधिसूचना नगर विकास और आवास विभाग के स्तर से जल्द ही जारी होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी, अब खबर ये सामने आ रही है कि पटना में घर बनाना मुश्किल होगा, क्या कुछ नियम बदले गए हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए, पटना में घर बनाने में जो लागत है उसका 1% अब देना होगा। दरअसल ये जो नियम है और नक्शा के आधार पर नगर निगम और बाकी जो अथॉरिटी होती है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, ये सब कहीं ना कहीं पुराने हैं, लेकिन इसमें नए जो बदलाव देखने को मिले हैं, कुछ नए क्षेत्र को जोड़ा गया है और स्पष्ट रूप से शेष श्रम संसाधन विभाग के तर्ज पर ये जो मामला है नया सामने आया है। अब पटना महानगरीय प्राधिकार के क्षेत्र के आसपास का जो इलाका है इसमें दानापुर, बिहटा, फतुहा, मनेर, फुलवारी, शरीफ ये इलाके शामिल है, लेकिन शेष के तौर पर दी गई राशि जो है उसे पीएमए संबंधित क्षेत्रों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य में खर्च होंगे। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, पार्क समेत अन्य जो नागरिकों के लिए सुविधाएं दी जाती है उन सुविधाओं में इसे खर्च किया जाएगा। दरअसल जिन क्षेत्रों में आवास बनते हैं उन क्षेत्रों में सड़कों की समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो रुपए है वही लगाए जाएंगे और ये काफी सराहनीय फैसला है जो बिहार सरकार ने। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।